लखनऊ से बड़ी खबर है। इरफान सोलंकी से पूछताछ होगी। छापेमारी के बाद ईडी करेगी पूछताछ। जल्द ही अदालत से अनुरोध किया जाएगा। बीते दिनों ईडी के इरफान के ठिकानों पर छापा मारा था। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। रिमांड पर लेने के बाद इरफान का आमना सामना होगा। उसके करीबी बिल्डर शौकत अली और हाजी वासी से कराया जाएगा। तो ईडी पूछताछ के लिए बहुत जल्दी अनुरोध कर सकती है कोर्ट से, और इरफान सोलंकी से पूछताछ की जा सकती है। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। रिमांड पर लेने के बाद इरफान का आमना सामना कराया जाएगा उसके करीबी बिल्डर शौकत अली और हाजी वासी के साथ। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, अब ईडी अनुरोध करने वाले, यानी अब मुश्किलें बढ़ सकती है इरफान सोलंकी की ओर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अब ईडी जो है इरफान सोलंकी से जल्दी पूछताछ करेगी, अच्छे कोर्ट में अनुरोध करेगी। और चूंकि इरफान सोलंकी के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उनके साथ साथ उसके तमाम करीबियों की छापेमारी की गई थी, और इसी कड़ी में इरफान सोलंकी के जो करीबी बिल्डर थे उनको आमने सामने बैठाकर ईडी इरफान सोलंकी से पूछताछ करेगी, और तमाम जो बेनामी संपत्ति है, तमाम जो दस्तावेज बरामद किए उसके आधार पर पूछताछ करेगी। शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत जल्दी पूछताछ के लिए अनुरोध कर सकती है ईडी।